क्या प्याज 80 रुपए किलो हो गया? रुक अभी फाइनेंस मिनिस्टर को ट्वीट करके अच्छे दिन लाता हूँ, रुक देख तू। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले अपन ने एक वीडियो बनाई थी रैनिटिडिन नाम के ड्रग को लेकर। बचपन से लेकर आज तक आपने और हमने एसिलॉग, जिंटैक, रैनटैक, जैंटैक, हिस्टैक ऐसे कई सारे ब्रांड्स में से एक ना एक ब्रांड की तो रैनिटिडिन दवा कंज्यूम करी ही होगी। फिर चाहे वो किसी न किसी बहाने डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब एक ना एक बार तो करी ही होगी। इस मेडिसिन को लेकर कंज्यूमर्स में और फार्मासिस्ट के कल्चर में, डॉक्टर्स में एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ था। जो तो एक दूसरे को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये मैसेजेस स्प्रेड कर रहा था, सेंड कर रहा था कि ये जो दवा है रैनिटिडिन, इसका कोई भी ब्रांड लो, इसमें एक किस्म की इंप्यूरिटी पाई गई है जिसे बोला जाता है NDMA या फिर N-Nitrosodimethylamine, और इस इंप्यूरिटी के वजह से, इस मिलावट के वजह से लोगों में कैंसर हो रहा है, ऐसी अफवाह रूमर्स पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और जिसके वजह से इस ब्रांड की जो पॉपुलैरिटी थी, इसकी जो ब्रांड वैल्यू थी, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो USFDA ने इसको लेकर काफ़ी रिसर्च करा, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक मेंशन कर रहा हूँ, एक बार जाके देख लेना, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ओवरऑल सीन क्या था। तो उस वीडियो को लेकर मैंने लोगों से अपील किया था, मेरे फार्मासिस्ट भाई, कंज्यूमर, मेरे डॉक्टर, मेरे कलीग्स, सबसे अपील करा था कि फॉर अ टेम्पररी बेसिस हम इस मेडिसिन का कंजम्पशन रोक देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये मेडिसिन मार्केट में बैन थी, ना ही ये कभी बैन होगी, बट मन में एक डाउट निकल कर आया है, तो जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट्स अपने सामने निकल कर नहीं आते तब तक हम इसका कंजम्पशन और ट्रेडिंग तो रोक सकते हैं ना। तो बिल्कुल वही डिसीजन से हमने ऑपरेशंस रिगार्डिंग दिस मेडिसिन वी केप्ट इट ऑन होल्ड। तो वो वीडियो बनाने के बाद अक्टूबर के महीने में कई सारे अपडेट्स निकल कर आए एक एक करके। USFDA ने लोगों को टाइम टू टाइम बुलेटिन्स निकाल कर लोगों को प्रॉपरली गाइड किया, और अचानक से एक दिन वक्त ऐसे पलट गया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। USFDA ने सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरर्स को, जो कंपनीज ये मेडिसिन बना रही है, सबको एक अपील किया था कि यार आपके एंड से आप क्वालिटी टेस्ट करो, श्योर हो जाओ और इसको लेकर हमें अपडेट करो, ताकि हम जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो उठा सके टाइम टू टाइम और लोगों को सेफ गार्ड कर सके। और फॉर्चुनेटली कंपनीज ने भी अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, एक एक करके वॉलंटियरली, यानी कि स्पॉन्टेनियसली कंपनीज खुद से होकर इनिशिएटिव लेके इसका क्वालिटी टेस्टिंग कर रही थी। आफ्टरऑल उनके सेल पर इसका इम्पैक्ट हो रहा था, राइट? और ये रिपोर्ट वो FDA को सबमिट कर रही थी, और इंडियन जो CDSCO है, यानी कि इंडियन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो इन सब चीज़ों पर बारकाई से ध्यान दिए बैठी थी। इंडिया में कई सारे लीडिंग फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स है जो इस मेडिसिन का सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर करते आ रही है कई सारे सालों से, लेकिन इन सब अफवाहों और न्यूज़ के वजह से कहीं ना कहीं इनके ब्रांड वैल्यू पर और अल्टीमेटली इनके सेल पर इम्पैक्ट हो रहा था, बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो इन्होंने सोचा कि यार चलो अपन ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते और लोगों को काउंसिल करते एक एक करके। सबसे पहले उन्होंने टारगेट करा फार्मेसीज और डॉक्टर्स को। ऐसे इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई कुछ ही दिनों पहले एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल ब्रांड के एग्जीक्यूटिव से, जो कि JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी का एग्जीक्यूटिव था। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इनका रैनटैक नाम का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहा था आज तक, लेकिन जैसे कि मैंने बताया इस सब चक्कर में उसका भी रेपुटेशन खराब हो चुका था। तो उस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बहुत अच्छे लिटरेचर सबमिट करे, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स आज मैंने आपके सामने एज एविडेंस दिखा रहा हूँ आपको। उस एग्जीक्यूटिव ने जो भी डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करे उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने USFDA की प्रॉपरली सुनी और अपना खुद का एक प्रोडक्ट है रैनटैक सिरप नाम से, उसका क्वालिटी टेस्ट कराया थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से, और उसमें उन्होंने पाया कि यार इसके जो रीडिंग्स है ना वो बिल्कुल मानांकन के अंदर, यानी कि जो एक्सेप्टेंस लेवल है इस इम्प्यूरिटी की उसके अंदर ही है, तो ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ है कंजम्पशन के लिए, ये उसमें से साबित हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी लेबोरेटरी ने चेक करा था, ना कि उनकी खुद की लेबोरेटरी ने। चलो इन डॉक्यूमेंट्स को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं और बिल्कुल हिंदुस्तानी दिमाग की तरह सोचते हैं। हिंदुस्तानी दिमाग कभी भी ना किसी भी चीज़ में ना पूरी तरीके से श्योर नहीं रहता, कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग हमेशा अंदर रहती है। तो ये बात को वेरीफाई करने के लिए मैंने USFDA की ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन करी, उनके भी बुलेटिन्स चेक करे, और मैंने क्या पाया, तो USFDA उनके रिसर्च के पॉइंट से बता रही थी कि यार ये जो NDMA नाम की इम्प्यूरिटी है ना, ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है,
तो जो रोस्टेड चिकन या मीट होता है, जो ग्रिल्ड चिकन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, बटर हो गया, या फिर पानी में भी, अगर पोल्यूटेड पानी हो तो उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में रहता है ऑलरेडी। मतलब इन शॉर्ट, इन मेडिसिन से भी ज़्यादा मात्रा में NDMA जो अपन नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें पाया जाता है। तो क्या अपन चिकन को ही बैन कर दे? जोक्स अपार्ट, बट दिस इज द फैक्ट दैट वी आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड विद दिस NDMA। मतलब जो हवा, जो अपन का पीने का पानी, जो खाना है, सब में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में NDMA होता ही होता है, जिससे हम डेली कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं। अपने बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली भी ये NDMA प्रोड्यूस होते रहता है, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि यार NDMA की वजह से इस मेडिसिन को बैन किया जाए। खासतौर पर तब जब डिटेल क्वालिटी एनालिसिस होने के बाद ये साबित हो रहा है कि इस मेडिसिन के अंदर जो NDMA है वो एक सर्टन एक्सेप्टेंस लिमिट के अंदर ही पाया गया है। ये साबित होने के बाद भी अगर लोग बवाल कर रहे कि यार ये मेडिसिन खराब है, इसका सेल बंद कर दो, ये बैन हो चुकी है, ऐसे कुछ भी अफवाह उल्टी सीधी न्यूज फैला रहे, ये सरासर गलत है और ये बिल्कुल नाइंसाफी है इन मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। अगर आप मुझे पूछो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी आज रोटी, कपड़ा और रोजगार को लेकर कई सारे मसले चल रहे हैं, वहाँ हम क्यों एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैप्सूल के पीछे 5 रुपये गवाए? अगर कोई मेडिसिन जो सेम काम कर रही है लगभग, वो 1 रुपये के अंदर मिल रही है, तो क्यों हम 6 रुपये गवाए? 5 रुपये का लॉस क्यों करा के ले? अच्छा ही है ना, अगर आपके 5 रुपये बच रहे हैं तो। सिंपल सी बात है यार, मतलब आज भी कई सारे गांव खेड़े ऐसे हैं जहां पर हेल्थ केयर की रीच नहीं पहुंच चुकी है, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर हो। ऐसी जगहों के लिए तो खास तौर पर ऐसे सस्ते मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है बॉस, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पूरे विश्वास के साथ हम वेलकम करते हैं इन सारे मेडिसिन का, और हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर रखी है, ये सारे मेडिसिन हम लोगों ने वापस बुला रखे हैं। अभी हमें बोला कि खा के बताओ, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है इंडिया में, ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। मतलब जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े, जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके ना दे, तब तक आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आपके फैमिली फिजिशियन ने या फिर किसी भी डॉक्टर ने इनमें से किसी एक मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो मन में बिना किसी संकोच के, डर के, आप इस मेडिसिन को आराम से कंज्यूम कर सकते हो। कोई भी डाउट मन में मत लाना, यह मेडिसिन बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मुझे पहली बार इस वीडियो के थ्रू देख रहे हो, तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके अपने इस ड्रग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस वीडियो की लिंक को मैं आपसे कहूँगा कि आपके दोस्त, आपके जो फार्मासिस्ट फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मेडिसिन का, इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हाई फाइव।